एवरीबॉडी वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं एलवी यादव वर्सेस फुकरा इंसान ड्रामा। और ये वीडियो है भाई हमारे थकेश यानी खबरेश विराट कोहली फनी ऐसा भी लिखा हुआ है। तो ये जो ड्रामा जो लोग बोल रहे हैं एलवी यादव और हमारे फुकरा इंसान के बीच में कि नेगेटिव पीआर ये वो, मुझे नहीं पता कि कहाँ तक सही है कहाँ तक झूठ है और किसने करवाया है या किसी ने करवाया नहीं, ऑडियंस खुद ही कर रहा है। आई जस्ट डोंट नो अबाउट इट। लेकिन यार जो कुछ भी इंटरनेट पे चल रहा है ना, दैट्स मेरे को समझ में नहीं आ रहा है दैट मैं किसकी बात मानूं या ये ऐसा हो रहा है। सो हाँ, थकेश आज लेके आए हैं वीडियो। वीडियो इज गोइंग टू बी, चलिए देखते हैं। एलविश यादव वर्सेस फुकरा इंसान। पहले तो बस बिग बॉस जीतने के लिए था, अभी बिग बॉस के बाहर भी हो गया। इस तो कुछ टाइम से कोल्ड वॉर तो चल ही रहा है फुकरा और एलविश के बीच, एंड ऐसे में शॉट्स लिए जा रहे हैं दोनों साइड से मस्त। देखो ये लड़ाई मनीषा के लिए नहीं है, मनीषा के लिए लड़ाई हुई तो पहले मैं आऊंगा। क्या क्यूट तो हमें भी लगती है। बट रिसेंटली ऐसा कहा जा रहा है कि इनडायरेक्टली एलविश यादव ने फुकरा इंसान पे एलिगेशन लगाए कि उसने नेगेटिव पीआर चलाया उसके उसकी टीम ने, बेसिकली वो भी 25 लाख का। यस, बिग बॉस जीतने का अमाउंट भी यही था। एंड मैं यहाँ पे अभी तक सोच रहा हूँ 25 लाख किसी की बुराई करने के लिए ये होता है? या तो मुझे लगता है एलविश किसी और के लिए बोल रहा था। मेरे को पर्सनली लगता है फुकरा थोड़ी बैठ के ये सब करेगा। जो बंदा यूट्यूब वीडियोस बना रहा है, सॉन्ग्स बना रहा है, डेली व्लॉग्स बना रहा है, मतलब खुद का पीआर करता तो अच्छे गाने बना लेता। स्किडिंग। बट मेरे को एक चीज बहुत ज्यादा फनी लग रही है। जो बिग बॉस की क्रिएटिव टीम ने जी जान लगा के ट्राई किया बिग बॉस में कराने का, नहीं हम तो इन दोनों को लड़वाएंगे, पूरा कंट्रोवर्सी करवाएंगे, फैन वॉर करवाएंगे, वो तभी नहीं हुआ। अब फिनाले के 1-2 महीने बाद हो रहा है। बिग बॉस वाले भी सोचते होंगे पहले करने नहीं हुआ तुम लोग। देखो मैं क्लियरली बोलता हूं, तो लड़ाई बंद करो या तो वापस बिग बॉस चालू करो। बट एक बात आप डिनाई नहीं कर सकते, एलविश के खिलाफ वाले मीम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं मार्केट में, स्पेशली वो एक्टिंग वाले रील के बाद। अरे यार देखो एलविश भाई अपने दोस्त ही, आई लव यू एलविश भाई, लेकिन ये अच्छा नहीं था। अगर फुकरा को छोड़ के भी कोई करा रहा है नेगेटिव पीआर, तो आई डोंट थिंक फर्क पड़ना चाहिए। बिकॉज एक $1 बिलियन चाइनीज ऐप जो हमारा नहीं कर पाया, वो 25 लाख क्या करेंगे? और लोग बोल रहे हैं हरियाणा में अर्थक्वेक इसलिए आया क्योंकि एलविश के सारे फैंस ने मिलकर सिस्टम चिल्ला दिया। बट अगर एलविश को जी जान लगा के ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ नेगेटिव पीआर हुआ है, तो मतलब मैं उसकी जगह होता मैं तो खुश हो जाता कि भाई मेरा नेगेटिव पीआर करने में कितने लोगों को रोजगार मिला है ही नहीं। और एक बात सब फैन से कहना चाहूंगा, देखो बिग बॉस खत्म हुए, टाइम हो गया, सब पैसा लेके घर कल्टी ले लिए, ओके आपने भी मजे ले लिए, बेबी का हालांकि अभी तक क्लाउड ले रही है, लेकिन आप समझ रहे हो। तो अभी बंद करो टैग करना स्टोरीज में, स्टोरी मेंशंस बंद करो, मुझे नहीं फर्क पड़ता कौन किसके साथ क्या कर रहा है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता मेरे को फर्क। भाई अभिषेक मनीषा के साथ हो, अभिषेक कौन जिया के साथ हो, अभिषेक माधुरी दीक्षित के साथ हो, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। मैं क्या करूं, आई एम हैप्पी फॉर माय ब्रो, ब्रो इज डूइंग ग्रेट, लेकिन उसके निजी मामले में मेरे को मत घसीटो। अब वो जिया के साथ घूमता है तो हमें टैग किया जाता है, अरे हमारा काम हो गया, हम बिग बॉस में गए, हमें जो लगा हमने बोल दिया, अब हमारा समाप्त हो गया है। ना ही हम बिग बॉस में कंटेस्टेंट है ये सीजन, ना ही हम किसी के लिए जाने वाले है ये सीजन। और बेचारे फुकरा भाई के लिए दया आती है कभी कभी, इतने बड़े बड़े वीडियोस बनाने में पड़ा है, वो कहां से नेगेटिव पीआर करेगा? उल्टा मैं तो बोलता हूं उसके खिलाफ नेगेटिव पीआर करो, वीडियो बना लेगा सर्वाइविंग 24 आवर्स विद नेगेटिव पीआर, आईडिया। बट देखो लफड़ा लफड़ी बंद करो, मारा मारी बंद करो, भाइयों के बीच सिर्फ प्यार होना चाहिए, पीआर नहीं। और क्या, वो लौंडा मिल गया फाइनली, कौन? एलविश भाई, एलविश भाई। यस, लौंडे ने खुद ने एक मैसेज वीडियो बना के डाला। अब सभी को पता रहेगा कि ये टाइम पे मैं बहुत गंदा ट्रोल हो चुका हूँ, बहुत गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ अच्छा भी हो रहा है एलविश भाई ने बोल के, और भी कुछ अच्छा भी हो रहा है, वीडियो भी छपरी वैसे ही डाला। अरे भाई थोड़ा फेम मिल गया, थोड़ा अच्छे से बैठ के फोन से वीडियो बनाता। गाड़ी पे जाते हो नहीं ट्रिपल सी। बट है ना, मेरे को ना अभी एक गाना याद आ रहा है, मैं बोलू क्या सुनो, किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे एलविश भाई। भाई क्या देखेगा भाई, क्या तो तमाशा क्या? देखेगा ओ, क्या हो क्या, ये तमाशा बन गया है तेरा, जो तूने हरकत किया है ना, बोल तो ऐसे रहा है जैसे लोग जबरदस्ती इसको ट्रोल कर रहे हैं, भाई तूने कुछ किया है ऐसा जिसकी वजह से कर रहे ट्रोल। हाँ, इट्स लाइक एक छपरी हरकत को छुपाने के लिए एक और छपरी हरकत कर दी, बाइक पे तीनों लौंडे बैठे हैं बिना हेलमेट, तो मैं वही ट्रिपल सी तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे। ए चुप करे मैनेजर, फोन चला रहे सब चला रहे, क्या बोलने का भाई, मतलब भाई तूने लोगों के दिलों में जगह बना ली है, लोगों के दिलों में जो एक लिस्ट है ना top 10 क्रिंज पीपल ऑफ इंडिया, तू पहले 3-4 स्पॉट में तो रह गई। yes.
देखो ये प्रॉब्लम तो है, ऐसा करता है पब्लिक वो, लेकिन अभी विंटर्स में एक और बड़ी प्रॉब्लम आएगी, स्किन का ड्राइनेस और डलनेस। अगली न्यूज आ रही है हमारे प्यारे विराट कोहली की तरफ से। okay. तो विराट कोहली ने आज इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली है। बहुत ही सीरियस स्टोरी डाली गाइस, जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि उन्हें कितनी तकलीफ हो रही है। इनडायरेक्टली मेंशन किया, डायरेक्टली नहीं बता पाए, इनडायरेक्टली मेंशन किया कि टिकट के लिए मेरे को मैसेज मत करो, वर्ल्ड कप आ रहा है, विराट भाई को उनके दोस्त परेशान कर रहे हैं कि भाई 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 टिकट करा ले ना भाई, विराट भाई बचपन के दोस्त है विराट भाई। विराट भाई ने सबके लिए डायरेक्ट स्टोरी डाल दिया, प्लीज हाथ जोड़ता हूँ, कोई भी मैसेज मत करो। हंसी आ रहा है, इतने बड़े आदमी के लिए भी ये प्रॉब्लम। भाई तो दोस्त तो सबके होते हैं, क्या करें। कुछ दिन पहले मेरे को भी इतने सारे कॉल आए थे, भाई भाई कुछ फैन फेस्ट के टिकट का जुगाड़ करो, हमको जाना है। मैं बोला मेरे को भी जाना है, नहीं हो रहा है। अनुष्का शर्मा ने भी डाला कि मेरे को भी इंक्लूड कर लेना, मेरे को भी मैसेज मत करना कृपया करके। बट पहले इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड मैच के लिए 40,000 वुमेन को फ्री टिकट मिलेगा मैच का। भाई 40,000 औरतों को वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, हम पे तो आई ना, हमको भी चाहिए एम्पावरमेंट टिकट, कुछ तो दो, कोने में बैठ के झाड़ पे बिठा दो, झाड़ पे बैठ के देखेंगे मैच। लेकिन ठीक है, इंग्लैंड न्यूजीलैंड नहीं देखना, इंडिया पाकिस्तान का हो तो बता। हम क्या करें, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ यही होता है 100%। वो 40,000 में से 20,000 को क्रिकेट देखना भी नहीं होगा, नॉलेज भी नहीं होगा, ना इंटरेस्ट है देखने में, बट फ्री टिकट मिला तो जाएंगे। हमारा क्या, पैसा देके भी नहीं मिल रहा है। विराट भाई को डीएम डाल दिया तो विराट भाई ने सीधा स्टोरी डाल दिया, क्या विराट भाई नहीं दे रहा है, बोल दो। प्रॉब्लम है भाई ये, बोल, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है टिकट आजकल। अगर मैं आपको बताऊं कि आप 120 साल तक जी सकते हो तो मैंने मानता। एक मिनट, दुखी क्यों हो रहे, 120 साल तक दुख झेलना पड़ेगा। अस ब्रो अस, दुख की बात ये कि हमारे साथ साथ जमाना भी 120 साल का होएगा, और जिस हिसाब से लोग आजकल है भाई, अगर 120 साल तक रहेंगे कितना क्रिंज रहेगा। 120 साल तक कंटेंट के नाम पे नाच देखना पड़ेगा रील्स पे। इधर 20 साल ऑलरेडी लोगों को 120 साल बराबर लग रहे, 120 जी के करेंगे क्या। देखो कहते हैं ना, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। बड़े अच्छा, 120 साल तक तुम लोग मेरे वीडियोस देख पाओगे, तब तक तो शायद 10 मिलियन हो ही जाएंगे। बट ऑनेस्टली मतलब नहीं है 120 साल का, 120 साल कर देंगे तो उसमें से 50 साल तो पक्का पढ़ाई में लग जाएंगे, और वो पढ़ाई काम नहीं आएगी आगे। लेकिन 120 साल आने वाली जनरेशन ही जी पाएगी, हम लोग तो नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी आनी बाकी है। लेकिन वो तो तब आएगी ना जब दुनिया बचेगी, बिकॉज आज से 159 ईयर्स बाद एक एस्ट्रॉइड पत्थर आएगा अर्थ पे, गिरेगा, जो कि 22 न्यूक्लियर बॉम्ब के बराबर है। दो फटे थे हिरोशिमा नागासाकी में, आपको तो पता ही है क्या हुआ था, 22 एटॉमिक बॉम्ब बराबर है। इसको प्रीपोन कर सकते हैं क्या थोड़ा, कल शाम तक अगर हो सकता है तो कंटल गए लोग। बट और इसलिए साइंटिस्ट लोग ये बोल रहे हैं कि हम इसे डॉज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या डॉज, क्या डॉज कर दिया, इधर से चला गया, क्या डॉज, तुम लोग डॉज का तुम्हारा टाइम आएगा, तब तक सबका टाइम आ जाएगा डॉज करने। और एक बात पक्का है, इतना मैंने पिक्चर देखा है बचपन से, ये होना तो अमेरिका में ही है, गिरेगा न्यूयॉर्क में पक्का, एंड उसपे एक एलियन भी बैठ के आएगा, और वो एलियन से कोई वहां का सुपर हीरो लड़ेगा, अपना तो लड़ेगा नहीं, ये सब अमेरिका में ही होता है। बट आई थिंक नहीं बताते तो अच्छा रहता है, क्या स्पॉइलर मिल गया है। अरे रे 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 रे। तो यार हमें क्या, हमें थोड़ी जीना है। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष, 160 साल तक हम थोड़ी जीने वाले, क्या टेंशन लेने का, देखेंगे बच्चों के बच्चों के बच्चे, अपना देख लो, एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ। अभी न्यूज आ रही है राजस्थान से, तो राजस्थान में एक आदमी ने खुली ट्रैफिक में गाड़ी के ऊपर चढ़ के पैसे उड़ाए। इस भाई ने मनी आइस वाले कपड़े पहन के मस्त पैसे उड़ाए रोड पे, गिर गए मैंने। सही मतलब असली है ना, नकली तो नहीं है ना। अरे प्रोफेसर 20-20 के नोट उड़ा रहे, गरीब प्रोफेसर 20 के नोट करो। While throwing the currency notes, as the currency notes fluttered down from above, a growing crowd scrambled to get them, leading to a chaotic scene on the streets. Traffic in the area came to a standstill. का एक दिन में देखना इसके अरेस्ट होने की न्यूज़ आएगी। क्यों वो क्यों? वो यही होता है जब नया-नया कोई मस्त सीरीज खत्म करो, बन जाते हैं उसका कैरेक्टर। हम भी जब KGF देख के आए थे, हमको तो लगा था हम ही रॉकी भाई। अभी 20-20 के नोट तू कहाँ उड़ा रहा है भाई, राजस्थान में उड़ा रहा है, जयपुर में उड़ा रहा है, पिंक सिटी में उड़ा रहा है, पिंक रोड उड़ा ना, 2000 का उड़ा, 2000 तो टोटल उड़ाया रहेगा तूने। बड़ा मनी हाइस्ट। एक मिनट,
राजस्थान में है तो हाई चांसेस है कि ये मारवाड़ी हो और मारवाड़ियों के पैसे उड़ा रहा है शायद। तो मनी हाइस्ट से ही अगली स्टोरी आ रही है दिल्ली से। तो दिल्ली में एक बंदे ने सिंगल हैंडेडली अकेले सबसे बड़ी हाइस्ट की है 25 करोड़ की। 25 करोड़ की चोरी अकेले। बट वो पकड़ा गया। क्या भाई तेरा चांस था स्कैम 2023 की सीरीज बने तेरे ऊपर। लेकिन इसके दोस्त ने इसका नाम बता दिया। वाओ वेरी नाइस। हमने तो अपनों ने लूटा कैरो में। क्या लूटा हाय साले गद्दारी कर बे। गद्दारी कर बे। जलता है मजनू। देखा नहीं जा रहा दोस्त का सक्सेस। थोड़ा मांग लेता उससे चाहिए 100-200 दे देता तेरे को निकाल के। नाम बताने का क्या जरूरत पुलिस को। एक्चुअली लॉन्डे ने ज्वेलर्स के दुकान में डाका डाला एंड सिंगल हैंडेडली ताला तोड़ा सब तोड़ा एंड 25 करोड़ का सामान लेके फुर। क्या बोल रहा अक्षय कुमार ने बायोपिक बनाने का राइट्स ले लिया। अरे भाई एनीवेज हम बढ़ते हैं नीचे साउथ की ओर हमारे अगले सेगमेंट में। चुमेश्वरी साउथ। चुमेश्वरी साउथ में आज न्यूज है एक डेटिंग ऐप की। तो डेटिंग ऐप पे जनरली लोग क्या करते हैं डेटिंग करते हैं मतलब जिनसे होती है जिनको मिलती है लड़कियां वो करते हैं। ऐसे ही एक लड़की लड़का ढूंढ रही थी डेटिंग ऐप पे तो गेस करो उसे क्या मिला। बेंगलुरु में इस औरत को मिला एक इन्वेस्टर। यस टाइम इन्वेस्ट करने वाला नहीं पैसा इन्वेस्ट करने वाला। पीक बेंगलुरु बिहेवियर। ये प्राइम एग्जांपल है उस चीज का। अगर धंधा करना है ना तो डेटिंग ऐप पे भी कर सकते हो। बस करना आना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो गाइस। वीडियो पसंद आया लाइक करो चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट मामा अर्थ लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट। तगड़ा सा वीडियो देख के एवरी टाइम आई जस्ट फील वेरी नाइस। जस्ट दैट आई वांटेड टू से क्योंकि उसका चेहरा आज एक्चुअली कल रात को पता है क्या आई जस्ट डोंट वांट टू शेयर दिस बट आई एम शेयरिंग इट विद यू पीपल। कल रात को एक्चुअली थगेश ने वो अमेजोन का जो इवेंट हुआ था तो उसके फोटो डाले थे थगेश ने उसके इंस्टाग्राम पे। तो मैं लास्ट को जो पोस्ट देखा था मैं सिर्फ वही वाला था थगेश का पोस्ट देखकर सोई एंड ही वाज इन माय ड्रीम्स एंड आई वाज लाइक भाई साहब ये तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया जी। और मैं एक बात बता दूँ कि मेरे को ऐसा है कि मेरे को ड्रीम मतलब सपने में कौन आता है ये पता होता है लेकिन होता क्या सपने में मेरे को याद नहीं रहता एंड दैट्स लाइक वेरी बैड। मैं जितनी बार भी कोशिश करती हूँ क्या ये सपना जो है मुझे मेरे को याद रहे मेरे को याद आए वो नहीं आता कि क्या हुआ था सपने में जस्ट वो बंदा कौन है उतने बस उतना याद आता है एंड थगेश बहुत दिन मेरे ड्रीम उससे अच्छा और क्या हो सकता है। और आज फिर से तगेश का वीडियो देख लिया उससे अच्छा और क्या ही हो सकता है भाई। बस सच्चे में यार 120 साल रहेगा तो तगेश का वीडियो देख के ही जिंदा रह लेंगे और नहीं तो क्या। सो यार दैट इज इट फॉर टुडे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है सो प्लीज़ फॉलो दैट टू। थैंक यू।